Hi friends, myself Som. Welcome to Som Mobile Tech. Today I'll show you that how to remove pattern FRP and how to flash any Nokia mobile. Okay. Now this video all about Nokia 5 pattern lock remove. Okay. तो फ्रेंड्स सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप मेरा चैनल में नया है प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर मोर अपडेट वीडियो। मैं डे बाय डे कुछ नया वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देख लीजिए ये नोकिया 5 जो अभी भी काम होगा, ये ऑनलाइन रिमोटली काम होगा। ठीक है, ये टीम व्यूअर कनेक्ट करके रखा है मैंने। ठीक है, ये रिमोटली काम हो रहा है। तो ये सबसे पहले ये बात बता दूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है सोम मोबाइल टेक। से ये सब्सक्राइब का आइकॉन है, यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में ये नोटिफिकेशन आइकॉन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक किए तो मैं डे बाई डे जो वीडियो बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन की दौर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि देख लीजिए मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आसूस मैक्स प्रो M1 M2 जो आफ्टर पाई 9 अपडेट करने के बाद जो आपको मतलब डिवाइस का अपडेट का प्रॉब्लम देता है, और वीवो Y93 फ्लैशिंग सब कुछ मैं मेरा चैनल पे है। मैं ऑनलाइन रिमोटली काम करता हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी दिक्कत हो नोकिया शाओमी का मोबाइल आई मीन रेडमी का मोबाइल कोई भी अनलॉक वगैरह कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूँगा, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अपना फ्लैश फाइल है। ठीक है, ये अपना टूल्स है, ये फ्लैश फाइल और ये टूल्स। फ्लैश फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, टूल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। देख लीजिए जैसे कि मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख दिया और टूल्स को इंस्टॉल करना है। मेरा टूल्स इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये टूल्स इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कीजिए। आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालना है तभी जाके ये टूल ओपन होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, डिवाइस मैनेजर खोलना पड़ेगा, नेटवर्क पे आना पड़ेगा। यहाँ पर मैक एड्रेस डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात बता दूँ, मैं मैक एड्रेस और जब मैं लॉगिन करूँगा और मैक एड्रेस जब डालूँगा तब मैं ये वीडियो पॉज कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं एड्रेस डालने वाला हूँ तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने मैक एड्रेस सेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पर टूल को लॉगिन करना है। ठीक है, और एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये है फ्लैश फाइल। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अभी लॉगिन करने जा रहा हूँ तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा टूल ओपन हो गया। ठीक है, टूल ओपन हो गया। अभी क्या करना है, डेस्कटॉप पे जो फोल्डर डाला था ये वाला। ठीक है, ये मॉडल है नोकिया 5। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है।
यूएसबी खोल के दोबारा यूएसबी लगाओ, यूएसबी खोल के दोबारा लगाओ। ये फ्रेंड्स फ्लैशिंग स्टार्ट ले लिया, ठीक है। जो पहले ये इरोड दे रहा था, मतलब पीसी में कुछ दिक्कत की वजह से अभी बराबर फ्लैशिंग ले रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मॉडल है नोकिया 5। तो फ्रेंड्स जब तक ये मतलब फ्लैशिंग जब तक इन प्रोसेस में ना आ जाए तब तक मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स फ्लैशिंग चल रहा है। तो ऑनलाइन रिमोटली ऑल सर्विस अवेलेबल डन हियर। इफ यू वांट टू अनलॉक एनी मोबाइल फ्रॉम माय चैनल प्लीज कांटेक्ट मी। माय ऑल कांटेक्ट नंबर यू कैन कलेक्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फ्रेंड्स देख लीजिए फ्लैशिंग फिनिशिंग तक आ गया, ठीक है। ठीक है, फ्लैशिंग डन। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू सोमो मोबाइल टेक।
ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ।